रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आपके पास नोड्स होती है ना, ये एक नोड है, ठीक है। इस नोड को क्या कहते हैं, इस नोड का नाम क्या होता है जो सबसे इनिशियल नोड होती है, या जो सबसे एंसेस्टर नोड होती है, उस नोड का नाम क्या होता है बिना ट्री और बिना ग्राफ? पेरेंट बोलते ठीक रूट है नोड या सही है, और पेरेंट नोड, ठीक है। ये दोनों नाम एक ही चीज के हैं, ठीक है। वेदर दिस कॉल्ड अ रूट नोड और अ पेरेंट नोड, ठीक है। अब जब ये नोड एक्सपेंड होती है, मींस के इफ दिस नोड हैज सम चाइल्ड और देयर प्रीडिसेसर्स, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम कहते हैं कि इससे जो है वो कुछ ना कुछ नोड जो है वो ओरिजिनेट हो रही होंगे, ठीक है। तो अब ये जो नोड्स ओरिजिनेट हो रही होंगी इससे, तो ये इस लेवल से, ये कौन सा लेवल है बेटा, लेवल 1 है या लेवल 2 है या लेवल 0 है? जी बच्चों, ये कौन सा लेवल है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप सबको, पहले तो ये बताओ मुझे, यस सर। तो ये कौन सा लेवल है जिस पे पेरेंट नोड या रूट नोड मौजूद होती है इन अ जीरो सर, बाइनरी ट्री? जीरो 0 है या 1 है? जीरो थे ना सर, जो पहला हो। पहला 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, ठीक है। दैट्स योर लेवल 0। अब देखिए बेटा, ये नोड जब एक्सपेंड होगी, तो इट मींस दिस नोड आफ्टर एक्सपेंशन प्रोवाइड्स यू सम इंफॉर्मेशन, तो ये लेवल 1 हो जाता है, ठीक है। फिर ये नोड एक्सपेंड होगी, तो इसके कोई ना कोई चाइल्ड होंगे, ये फिर लेवल 2 हो जाता है, ठीक है बेटा। तो वो जो बात बता रहे हैं कि हर स्टेप पे बेटा, एट एवरी स्टेप द नोड विल कंटेन एक्सपेंशन, ठीक है। आप उसको एक्सपेंड करते हो और उसके एक्सपेंशन से यू रीच टूवर्ड सम अदर इंफॉर्मेशन। क्लियर है बेटा ये बात? यहाँ तक कोई मसला किसी को, कोई चीज? नो सर, क्लियर। गुड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने बाइनरी ट्री में पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। हम ऐसा ऐसा उसको गो थ्रू भी कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो जब सर्च करते हैं ना डेटा स्ट्रक्चर, तो स्टेट क्या होती है बेटा, अ नोड इज हैविंग 5 कंपोनेंट, ठीक है। एक नोड के 5 कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट क्या क्या है बेटा, स्टेट है, पेरेंट है, एक्शन है, कॉस्ट है, डेप्थ है, ठीक है। स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑब्वियस ही बात है बेटा, कि विच स्टेट इट इज इन दी स्टेट स्पेस, के स्टेट स्पेस के अंदर इस वक्त जो आप हैं वो कहाँ पे, आपका एजेंट जो है वो किस पोजीशन पे, ठीक है। पेरेंट नोड या रूट नोड क्या होती है, विच इज जनरेटेड फ्रॉम विच नोड इज जनरेटेड, मतलब बाकी नोड जो है जनरेट हुई भी होती है। एक्शन क्या होता है, विच एक्शन अप्लाइड टू इट्स पेरेंट नोड टू जनरेटेड, क्या आप उस पेरेंट नोड पे क्या एक्शन अप्लाई करेंगे कि पेरेंट नोड जो है वो मजीद अपनी नोड जो है वो एक्सपेंड करे, एक्सटेंड करे, ठीक है, या ग्रो करे। पाथ कॉस्ट क्या होती है? पाथ कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू नोड एंड इटसेल्फ, कि एक इनिशियल स्टेट से जिस नोड पे आप पहुंचे हैं, एक नोड से दूसरी नोड तक जाने में आपकी जो कॉस्ट लग रही है ना बेटा, वो पाथ कॉस्ट कहलाती है, ठीक है बेटा। पाथ कॉस्ट क्या होती है बेटा, बेसिकली इट्स अ फंक्शन व्हिच इज डिस्क्राइब दैट यू आर इनिशियल कॉस्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टुवर्ड्स द नोड एंड इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड अ पाथ कॉस्ट। डेप्थ क्या होती है बेटा, डेप्थ ये लेवल थे जो मैंने अभी आपको बताया था ना, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, द नंबर ऑफ स्टेप्स अलोंग द पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट आर नोन एज डेप्थ, ठीक है बेटा। तो ये देखें बेटा, आपके पास पेरेंट नोड है, तो एट पेरेंट नोड इट विल गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट नोड, और उससे कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो मिल रही हैं, तो ये सारी चीजें। एक्शन इज इक्वल टू राइट, डेप्थ इज इक्वल टू 6, पाथ कॉस्ट इज इक्वल टू 6, मींस कि इफ यू वांट टू मूव दैट पजल टू फ्रॉम दैट पोजीशन टू टुवर्ड्स दैट, तो आपके पास जो एक्शंस हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, कोई ना कोई डेप्थ लगेगी, कोई ना कोई, मतलब आप अगर इस पजल बोर्ड को देखें, और इफ यू वांट टू मेक देम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको क्या करना होगा बेटा, आपको कोई ना कोई एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, कोई ना कोई आपकी डेप्थ यूज हो रही होगी, मतलब कितने लेवल तक ये एक्सपेंड होगा, और इसकी कोई ना कोई पाथ कॉस्ट होगी हर एक टाइल को मूव करने की, ठीक है बेटा।
क्लियर है ये चीज या नहीं? मतलब आप फोर को यहाँ मूव करना चाह रहे हैं, तो जो पास कॉस्ट, जी बेटा excuse me sir, जी जी बोलो हरी सर, पाथ कॉस्ट इसमें सिक्स कैसे आई? बेटा ये इन्होंने जर्नल एक डायग्राम बनाई हुई है, वही मैं समझा रहा था कि अगर आप फोर को इस टाइल पे मूव करना चाहते हो जो इस वक्त ब्लैंक है, ठीक है, तो आपकी पाथ कॉस्ट क्या होगी? वन होगी, क्योंकि यू कैन इजीली मूव दैट टाइल टुवर्ड्स दैट पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एक टाइल को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाना चाहते हो और मूव करवाना चाहते हो, तो दैट मूवमेंट और दैट एक्शंस विल रिक्वायर्ड सम पाथ कॉस्ट। तो ये इन्होंने किसी एक बिट को मूव करवा के ना, किसी एक जर्नल से डायग्राम है ये, आपको नॉर्मली एआई की स्लाइड्स में नजर आती है। तो अगर वो चाह रहे हैं कि भाई सिक्स को इस पोजीशन पे लेके आए, ठीक है, तो क्या कॉस्ट हो सकती है, कितने मूव्स लेने पड़ेंगे, तो दे सेट दे विल गेट अ पाथ कॉस्ट सिक्स, ठीक है। तो आप इसी तरह जब हम एट पजल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग देखेंगे कि भाई एट पजल प्रॉब्लम में आप जो नॉर्मली आप लोग पजल्स बना रहे होते हो या सॉल्व कर रहे होते हो, तो वो तो बहुत आसान से लगते हैं, लेकिन व्हेन वी सॉल्व इट बाय द हेल्प ऑफ अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन, तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम है हमारे इसमें ना, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। सर्च ट्री में क्या है बेटा, हमने कहा कि पांच कंपोनेंट है, देख चुके हैं, स्टेट क्या होती है, पेरेंट नोड क्या है, एक्शन क्या है, पाथ कॉस्ट क्या है, तो डेप्थ क्या है, तो वी हैव नो नीड टू डिस्कस इट अगेन। तो हम चलते हैं यहाँ, फ्रिंज क्या होता है, पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर में, फ्रिंजेस क्या होते हैं? जी बेटा, फ्रिंजेस के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं? बताएं भाई जल्दी मुझे, नहीं पढ़ा है सर। बेटा बेसिकली जो नोड्स होती है ना, जो नोड एक्सपेंड नहीं हुई भी होती, उनको हम फ्रिंजेस कह रहे होते हैं, मतलब क्यू में होती है। सही है, मतलब कि आप एक नोड आपने एक्सपेंड की बेटा, उसके बाद वाली नोड जो है ना बेटा अभी एक्सपेंड नहीं हुई भी, लेकिन वो क्यू में है, मतलब सेट ऑफ सर्च नोड्स दैट हैव नॉट बीन एक्सपेंडेड येट, कि ऐसी नोट्स जो अभी तक एक्सपेंड नहीं हुई बेटा, उनको हम फ्रेंच कहते हैं। मतलब ये व्हाइट बोर्ड है, आप देखें जरा, देखें ये एक नोड है और ये एक्सपेंड हुई हुई है, दिस नोड एक्सपेंडेड टू दैट पोजीशन, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये नोड फिर एक्सपेंड हुई हुई है, इट विल गिव यू सम अदर इंफॉर्मेशन, लेकिन ये नोड जो है ना, ये अभी तक एक्सपेंड नहीं हुई, तो इस नोड को हम फ्रेंच कह रहे हो। क्लियर हुई बात या नहीं? यस सर, क्लियर। तो इसको अगर बहुत आसान करके बताया जाए आपके फ्रिंजेस को, तो वो ये इस तरह होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड एज अ क्यू फ्रिंज, ठीक है, और बिकॉज इंसर्ट नोड फ्रिंज रिमूव फ्रिंज, द ऑर्डरिंग ऑफ नोड्स इन फ्रिंज डिफाइन द सर्च स्ट्रेटेजी। बेसिकली फ्रिंज जो है वो आपको नोड्स की जो सर्चिंग स्ट्रेटेजी है वो ऑर्डरिंग भी डिफाइन करता है, कि किस लेवल तक की जो नोड्स हैं वो एक्सपेंड हुई हुई हैं, किस लेवल तक की नोड्स जो हैं वो एक्सपेंड नहीं हुई हुई, तो जो अभी एक्सपेंड नहीं हुई हुई होती ना सर्च नोड्स, उनको हम फ्रिंज कह रहे होते। देखिए बेटा एक बहुत सिंपल सिंपलेस्ट एल्गोरिथम लिखा है, ठीक है, वो सिंपल सा एल्गोरिथम क्या है, इफ गोल is then return initial state, कि अगर आपका goal जो है वो और आपकी initial state बराबर नहीं है, तो क्या करो बेटा, return कर दो initial state, फिर क्या करो, insert initial node और fringe, वो node जो expand नहीं हुई भी, ठीक है, उसे as a initial node act करवाओ, और क्या करो, repeat करो, if fringe is empty then return failure, अगर fringe empty है means के जो node है उसके अंदर कोई information नहीं है, उसका कोई नेक्स्ट एक्सपेंशन पे कोई भी चीज नहीं है, तो क्या करो बेटा, आप रिटर्न कर दो फेलियर। लेकिन अगर n इज इक्वल टू रिमूव फ्रिंज है और आपकी स्टेट जो है वो n है, तो हर स्टेट के लिए क्या होगा बेटा, कोई एक सक्सेसर फंक्शन होगा, मींस जब मैंने एक्सपेंड की थी नोड, मैंने क्या कहा था कि इस नोड को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसमें ये दो नोड्स हैं, इन दो नोड्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हर एक की अलग अलग नोड्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्रिएट अ नोड n
ठीक है, फॉर एवरी स्टेट एस, हर स्टेट के लिए क्या करो, इन सक्सेसर कोई एक फंक्शन मौजूद होगा जो कि क्या कर रहा होगा, नोड क्रिएट करवा रहा होगा, ठीक है, इफ गोल देन रिटर्न पाथ और गोल स्टेट। अगर आपकी जो स्टेट आपको मिली है वो आपकी गोल स्टेट है तो क्या करो, रिटर्न कर दो पाथ, ठीक है, या कह दो कि गोल स्टेट इज अचीव। अगर नहीं हुई तो इंसर्ट कर दो एन फ्रिंज। एन फ्रिंज मींस के वो नोड्स जो अभी तक एक्सपेंड नहीं हुई। बेटा वो सर्चिंग एल्गोरिथम इस तरह आपका काम कर रहा होता है कि वो बार बार हर नोड को जो उसे मिल रही होती है बेटा उसको सर्च करता है, देखता है कि ये गोल नोड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो कहता है कि जो अगली फ्रिंजेस हैं मींस के जो नॉन एक्सपेंडेड नोड्स हैं उनको जो है वो एक्सपेंड करो और चेक करो कि क्या इस गोल इस फ्रिंज इस नोड के अंदर जो है वो आपकी गोल नोड मौजूद है। अगर नहीं है तो आपको फेलियर रिटर्न कर देता है सिंपल। इसी तरह वन बाय वन बेटा वो सारी चीजों को चेक करता है और फिर आपको बताता है। अच्छा, अब जो सर्च स्ट्रेटजीज हैं, आई स्ट्रेटजी इज डिफाइंड बाय पिकिंग द ऑर्डर ऑफ नोड एक्सपेंशन। के स्ट्रेटजी जो है बेटा वो डिफाइन की जाती है कि कौन सी नोड को आपको पिक करना चाहिए, मींस कि कौन सी नोड को पिक करके आपको एक्सपेंड करना चाहिए, वेदर ए नोड इज एक्सपेंडेड और नॉट, वेदर बी नोड इज एक्सपेंडेड, ठीक है। तो ये कैसे आप आइडिया लगाएंगे या आप कैसे पिक करेंगे ऑर्डर ऑफ नोड एक्सपेंशन, तो उसके लिए ये बेटा कुछ मेजर्स हैं, परफॉर्मेंस मेजर्स जिनको आप जो है वो यूज करते हो, ठीक है। सबसे पहला परफॉर्मेंस मेजर है कंप्लीटनेस, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देन ऑप्टिमैलिटी। बेटा दीज फोर आर द बेसिक परफॉर्मेंस मेजर इन सर्च स्ट्रेटजीज फॉर पिकिंग द ऑर्डर नोड टू बी एक्सपेंडेड, ठीक है। तो इन चार देखते हुए बेटा हम जो है वो डिफाइन करवाते हैं कि हमें किस जो कौन सी जो नोड है बेटा उसे हमें एक्सपेंड करना चाहिए और कौन सी नोड को हमें एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। तो उसकी रीजंस क्या होते हैं बेटा, कंप्लीटनेस मींस डज इट ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट, कि क्या आपको अब कोई सॉल्यूशन मिलता है अगर आप जो है वो इस नोड को एक्सपेंड करते हो, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड एक्सपेंडेड, कि कितनी नोड्स जो है, कितना टाइम लगेगा इन नोड्स को एक्सपेंड करने में और रीच टूवर्ड्स योर फाइनल नोड। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन मेमोरी, के मैक्सिमम नंबर्स कितने आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो इन दैट एल्गोरिथम। ऑप्टिमैलिटी, डज इट ऑलवेज फाइंड अ लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन। बेटा ये ऑप्टिमैलिटी जो है ना, ऑप्टिमैलिटी बेसिकली या ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपको डिफाइन करवाती है कि सबसे बेस्टेस्ट रूट क्या होगा, या यहाँ वो जो कह रहे हैं कि डज इट ऑलवेज फाइंड द लीस्ट काउंट सॉल्यूशन, कि क्या वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, मींस के विल इट गिवन यू आर लीस्ट काउंट सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं है कि पांच सॉल्यूशन थे, पांच सॉल्यूशंस की डिफरेंट डिफरेंट अलग कॉस्ट आएगी बेटा। लेट सपोज ए सॉल्यूशन गिवन अ कॉस्ट ऑफ 5, बी सॉल्यूशन गिवन अ कॉस्ट ऑफ 4, सी सॉल्यूशन गिवन अ कॉस्ट ऑफ 2, तो व्हिच वन इज बेस्ट बेटर बेटा। द सॉल्यूशन व्हिच गिव्स यू अ 2 इज मच बेटर देन अदर 2। तो हम इस तरह कहते हैं कि ये ऑप्टिमैलिटी है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, हम कैसे मेजर करते हैं बेटा, बी जो है बेटा वो मैक्सिमम ब्रांचेस फैक्टर्स ऑफ सर्च ट्री, के मैक्सिमम कितनी ब्रांचिंग है, डी डेप्थ ऑफ द लीस्ट काउंट सॉल्यूशन, के लेवल कितने हैं, एम जो है वो मैक्सिमम डेप्थ होती है आपकी स्टेट स्पेस की। इनको अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं बेटा। मेजरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्मेंस क्या है, फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ अ सर्च एल्गोरिथम वी कैन जस्ट कंसीडर द टोटल कॉस्ट, तो जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है बेटा बराबर होती है पाथ कॉस्ट ऑफ द सॉल्यूशन फाउंड और सर्च कॉस्ट, इन दोनों को आप ऐड करते हो ना तो बेटा आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है। सर्च कॉस्ट क्या होती है बेटा, टाइम नेसेसरी टू फाइंड द सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ सर्च एल्गोरिथम और व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ सर्च एल्गोरिथम, तो सो यू कैन सिंपली से दैट द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पाथ कॉस्ट ऑफ द सॉल्यूशन फाउंड प्लस सर्च कॉस्ट। अच्छा, इसमें एक ट्रेड ऑफ है, वो ट्रेड ऑफ क्या है, लॉन्ग टाइम ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद लीस्ट जी, इनके आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब आपको चाहिए मतलब लेना होता है तो इट इज नेसेसरी यू हैव टू सर्च फॉर अ लॉन्ग टाइम वर्सेस शॉर्टर टाइम सॉल्यूशन विद स्लाइटली लार्जर पाथ कॉस्ट। तो आपको ऑब्वियस सी बात है बेटा कि आपको जो है वो पाथ कॉस्ट ज्यादा बेयर करनी पड़ती है, ठीक है, व्हेन यू हैव टू रीच टुवर्ड्स अ शॉर्टर टाइम, मींस कि कम टाइम। और जैसे इसकी आसान सी एग्जांपल लेते हैं बेटा, आपको अपना पासपोर्ट बनवाना, ठीक है, और एक तो जो है नॉर्मल जो आपके रीजनल ऑफिसेज हैं वो हैं और एक ऑफिस जो है वो ग्रेफ्टन में जहाँ जो है वो अर्जेंटली आपका पासपोर्ट बनता है, लेकिन वहाँ जो पासपोर्ट बनता है बेटा उसकी कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर रीजनल ऑफिस।
तो देखें इन शॉर्टर टाइम आपका पासपोर्ट तो बन जाएगा, लेकिन यू हैव टू पे अ लार्जर कॉस्ट एज कम्पेयर टू नॉर्मल रूटीन कॉस्ट। लेकिन अगर और इसी तरह आप जब रीजनल ऑफिस जाते हैं तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, बट यू हैव टू पे अ लेस कॉस्ट। क्लियर है ये चीज़, समझ में आई कि कैसे ट्रेड ऑफ है ये? जी बच्चों रिपीट कर दें। देखिए बेटा वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जब लॉन्ग टाइम होता है ना तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद लीस्ट जी होता है, मींस के टाइम ज्यादा लगता है तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो जी की वैल्यू है वो बहुत कम मिलती है। लेकिन शॉर्टर टाइम में अगर आप उसे अचीव करना चाहते हो यू हैव टू पे अ मर्ज कॉस्ट एज कम्पेयर टू लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि मीन्स यू हैव टू वॉन्ट अ पासपोर्ट। ठीक है, तो आपको पासपोर्ट बनवाना है तो दो ऑफिस हैं, एक रीजनल ऑफिस है जहाँ नॉर्मल सब जाके बनवा लेते हैं, और एक ऑफिस है क्लिफ्टन जो मतलब समझ लें कि अर्जेंट पासपोर्ट बनते हैं और फॉर VIPs हैं। तो दोनों की फीसेस में फ़र्क है, बनता वहाँ पे भी पासपोर्ट है और यहाँ पे भी पासपोर्ट है, वहाँ जल्दी मिल जाता है यहाँ थोड़ा देर से मिलता है, यहाँ थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है वहाँ टाइम भी कम लगता है, लेकिन वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं यहाँ पैसे कम लगता है। तो दैट्स द ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ तो समझते हो ना कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है और दूसरे चीज़ के बढ़ने से पहली चीज़ कम होती है, ये वाली चीज़। दैट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन लॉन्ग टाइम एंड अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, इन सर्चिंग। यहाँ तक कोई मसला बेटा किसी को? कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आएगी बेटा मुझसे पूछ लो। क्लियर है सारी।